ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आमे श्रवण करुछे श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता जहाँ की गीतो उपनिषद नाम रे प्रसिद्ध ए श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम रे प्रसिद्ध ए अर्जुन विषाद योग ए अध्याय रे विशेष करी अर्जुन किपरी शोकग्रस्त आउ मोहग्रस्त होइथिले आमे पूर्वरु एकथा श्रवण करिछे जे अर्जुन भगवान कर नित्य परिकर नित्य पार्षद माया मोहरु मुक्त से केवले शोकग्रस्त बा मोहग्रस्त हे न पारंती किंतु भगवान कर इच्छा रे जोगमय शक्ति बल रे अर्जुन निजे एभली शोकग्रस्त मोहग्रस्त हेवार अभिनय करिथिले कारण श्रीमद् भगवद गीता अवतरण हवा पाई अर्जुनंकर एपरि शोकग्रस्त एवं मोहग्रस्त केउं प्रकार थिला एकथाकु व्यक्त करियाकु जाई महाभारतर वक्ता किए श्री वैशंपायन ऋषि श्रोता किए जन्मेजय श्री वैशंपायन जन्मेजयंकु ए महाभारत कथा कहुछंती ए महाभारतर भीष्म पर्वरे ए श्रीमद् भगवद गीता कथा कुआ जाये छी ए महाभारतर भीष्म पर्वरे ए श्लोक आसछी कि धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः जुजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय धृतराष्ट्र संजय को पचारुचंती संजय जे कि तंकर मंत्री थिले एवं सेक्रेटरी थिले सचिव थिले तांकु पचारुचंती कि हे संजय कि युद्ध अभिलाषी मोर पुत्रवण मामका पांडवाश्चैव एवं पंडुंकर पुत्रगण बा पांडव माने एक कुरुक्षेत्र नामक धर्म क्षेत्र रे एकत्रित होई कौन कले एभली प्रश्न धृतराष्ट्र संजय को पचारुचंती किंतु एटा उठे स्वाभाविक कथा प्रश्न उठी पारे ए धृतराष्ट्र तो जानी थिले जे युद्ध क्षेत्र रे एकत्रित होई अब कौन करा जाए युद्ध ही करिवे ये स्वाभाविक रूप रे युद्ध ही करिवे तले ए प्रश्न काही से करुचंती ये कोई साधारण प्रश्न नुहे से माने काहे कि एभली प्रश्न धृतराष्ट्र संजय को पचारिले तार उत्तर निजे धृतराष्ट्र ही ए श्लोक रे ही देइचंती से कौन से कहुचंती धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से प्रथम उत्तर दे देले दे धर्म क्षेत्र प्रश्नटा होउची काहे कि उठुची
जेहेतु कुरुक्षेत्र होची धर्म क्षेत्र एतमै प्रश्नटा उठुछि। कुरुक्षेत्र रे मोर पुत्र माने और पांडव पांडुंकर पुत्र माने बा कौरव पांडवगण एकत्रित हो युद्ध करिवे ही, किंतु एटा होची प्रश्न उठुछि ये होची धर्म क्षेत्र। सेतिपाई धृतराष्ट्र मनरे अनेक प्रकार शंका उत्पन्न होई। एक धर्म क्षेत्र एक विशेष रूप से आम मैंने शास्त्र अध्ययन करवा धर्म क्षेत्र कहीं कहगला द धर्म क्षेत्र हाँ ये शब्द हूँ ये देवता मानकर यज्ञस्थली कुरुक्षेत्र देव जजनम श्रुति शास्त्र उल्लेख अच्छी कि ये जो कुरुक्षेत्र होची देव जजनर स्थान अर्थात देवतांकर यज्ञस्थली अटे। अर्थात यही स्थान रे धर्म कार्य कराइतला और एक धर्म यही क्षेत्र एत शक्तिशाली जे धर्म प्रवर्तक क्षेत्र अर्थात धर्म को प्रवर्तन करिया पाई ही एक क्षेत्र प्रसिद्धि रही। से धृतराष्ट्र मन में प्रश्न शंका आसीगला एभली संदेह किए करती एभली प्रश्न किए करती धृतराष्ट्रंकर चरित्र कौन थिला। ए धृतराष्ट्र थिले धृतराष्ट्र साधारण विचार रे जोटा कि मु श्रेष्ठ वैष्णव मुखर श्रवण कर धृतराष्ट्र द्रुत पूर्वक राष्ट्र दखल करिवार अभिलाष जार मनरे चिरंतन रही। द्रुत माने बाह्युकर क्रूक कौनसी मते द्रुत पूर्वक सब प्रकार अन्याय अधर्म आचरण करी एवं कुमार्ग को अवलंबन करी राष्ट्र दखल करिवार अभिलाष राज्य सिंहासन प्राप्ति करिवार अभिलाष बा राज्य को दखल करिवार जो अभिलाष पूर्ण रूप से ए धृतराष्ट्रंकर थारे विद्यमान थिला। छोटो बेले जतले से प्रथमे महाराज पंडु असुस्थ हो गले एवं सी से राज्य सिंहासन को राजमुकुट को दखल करनी परवर्ती अवस्था रे पांडव मान सहित केते अन्याय न करी पशा खळे तांकू अन्याय भावरे पराजित करी तांकू इंद्रप्रस्थ राज्य को दखल करिवार अभिलाष पांडव माने को जेतेबेले तांकू दुर्योधन एवं शकुनी आदि तांकू षडयंत्र करी लाक्षागृह भस्म कर दिवार जो षडयंत्र कले ये सब षडयंत्र पचरे धृतराष्ट्रंकर समर्थन थिला एवं ए दुर्योधनर जी अधर्म बा पापाचार बा जहाँ भी आचरण यार मूल सूत्रपात धृतराष्ट्रंक पाखरे ही थिला। धृतराष्ट्रंकर ही धृतराष्ट्र रूपी वृक्षर से दुर्योधन हेले फल से द्रुत पूर्वक राष्ट्र दखल करिवार अभिलाष पूर्ण रही। लक्ष्यटा कौन ना राष्ट्र केमी पाइबा ए युद्ध कहीं आयोजन धृतराष्ट्रपाई जदि युद्ध कौटि आरेंज है भगवान इच्छा कुरुक्षेत्र ही व्यवस्था कराई युद्ध हबार कि कुरुक्षेत्र तो धर्म प्रवर्तक क्षेत्र धर्मपाई प्रसिद्धि रही तेणु ये युद्धटा सक्सेसफुल हम कि नाही तांकर सफल हब कि नाही ए मनर तार संदेह आउछि। प्रश्न काहाक पचारुचंती ना संजय को संजयंकर मुख्य तांकर नाम कहुछि संजय सम्यक रूपे जय जे कि जितेंद्र थिले संपूर्ण रूपरे निज इंद्रिय को जय करथिले एवं एभली धार्मिक प्रवृत्ति थिले एवं पांडव मानकर सखा थिले मित्रवत थिले एवं भगवानकर भक्त थिले सेतिपाई संजय को ए दिव्य दृष्टि लाभ होता जहाँ फल से हस्तिनापुर बसी कुरुक्षेत्र सबकि दर्शन करी महाराज धृतराष्ट्र को सी शुणी पारे ए संजय को साधारण नथिले जेतु भगवान कर भक्त भगवत विचार ओतप्रेत तेणु भगवत गीतार वाणी को सी श्रवण कर पारे भगवान ठू एवं धृतराष्ट्र ये जो प्रश्न करुचंती अनेक प्रकार शंका नहीं विशेषकर ये शंका सबू कहीं उत्पन्न होना धर्म क्षेत्र शब्द को नहीं
जेहेतु धर्म क्षेत्र धर्म प्रवर्तन क्षेत्र ता मन में प्रथम शंका होची कि दुर्योधन मोर पुत्र तांकु सब प्रकार अधर्म रे तालीम देजंती धृतराष्ट्र अधर्म मार्ग रे धृतपूर्व किमिति राष्ट्र दखल करिया पड़े अन्याय अधर्म सब प्रकार तालीम धृतराष्ट्र को मिली मोर पुत्र माने जो नाम कि स्वाभाविक भाव रे अधार्मिक धृतराष्ट्र ये कन्फर्म थिले जे तांकर पुत्र माने अधार्मिक 100% और पांडव माने कहले धार्मिक ये विचार धृतराष्ट्र थिला जेतु विदुर एवं समस्तिंकर एमानकर संग करी करी एति ज्ञान तो धृतराष्ट्रंकर थिला जे किए अधार्मी और किए धार्मिक पांडव माने पूर्ण रूप धार्मिक एक था धृतराष्ट्र कन्फर्म जानिथिले आउ तांकर पुत्र माने दुर्योधन दुशासन आदि पुत्र माने जे अधार्मिक एकता भी धृतराष्ट्र कन्फर्म जानिथिले सेतिपाई तांकर मनर प्रश्न आसला शंका उत्पन्न हला कि दुर्योधन आदि मोर जो पुत्र माने एवं तांकर जो माने सहयोगी जितकि भी अधार्मिक व्यक्ति ए अधार्मिक व्यक्ति जदि गोटे धर्म क्षेत्र को पलि आसिले बा एकत्रित हो गल धर्म क्षेत्र रे हेई पारे तांकर अधार्मिक प्रवृत्ति दूर हो जीव तांकर क्रोध प्रतिशोध भावना आदि दूर ही हेई पारे अधार्मिक प्रवृत्ति चली जीव एवं धर्म रे प्रवृत्त हो जीवे जदि तांकर पुत्र माने एवं जेति तांकर सहयोगी एंको मनरे धर्म प्रवृत्ति जाग्रत हो जीव ताल ताउ युद्ध करिवे नहीं युद्ध न करिवे आम राज्य प्राप्ति होबा किमिति जणे प्रश्न करे एथिरे युद्ध न कले तो बहुत भलो कथा हाँ महाराज धृतराष्ट्र कहीं चिंता कहीं करुछन्ते जे युद्ध नहला ता तो बहुत भलो कथा ना ना मोर कौन दरकार ना निष्कंटक राज्य दरकार जो राज्य रे कोई विवादी नथिबे केवल मो पुत्र माने एक छत्र सम्राट होई एक छत्र भावे शासन करिवे निष्कंटक अर्थात ये चाहू नहीं जे इमित राज्य जोटी पांडव मानकर किछि बे अंश ता भीतर थाउ ये हूँ धृतराष्ट्र मेंटालिटी से मनरे ये शंका आसी एवं द्वितीय शंका पांडव माने चिंता करुची परवर्त अवस्था रे जे मान जदि मोर पुत्र माने तो धार्मिक प्रवृत्ति हेई जिवे युद्ध करिवेनि बंद कर देबे ठीक कथा आउर पांडव माने से तो धार्मिक व्यक्ति एवं तांकर धर्म प्रवृत्ति जदि जाग्रत हेई जाय विवेक उदय हेई जिवो तबे से तो युद्ध करिया को राजी हेबे नाही पांडव माने तेणु बहुत बढ़िया कथा जे युद्ध करिया को राजी हेबे नाही ताल से माने संधि करिया पई चिंता करिवे एवं मो पुत्र माने जदि युद्ध न करिवे और पांडव माने युद्ध करिया को न चाहिबे ताले संधि उत्पन्न करी से माने परस्पर मध्य रे राज्य बांटी नेबे तेणु मोर जो योजना दीर्घ दिन धरी आजीवन जो योजना धृतराष्ट्र करिछि कौन पाई ना सबु राज्य पुत्रों को ही प्राप्त हो से योजना तो असफल हो जीव से धृतराष्ट्र कहा किसी कही पारुनि भितरे भितरे बहुत दुखी होउछि भितरे भितरे अनेक कष्ट पाउछि ते बड़ असुविधा हो जीव तार कौन सी मतरे युद्ध हवा दरकार पूर्ण चिंता करुछि पांडव माने हाँ पांडव माने तो धार्मिक एवं तांकर धर्मर शक्ति रही युद्ध जदि करुछन से धर्म को रक्षा करने करुछन धर्मर पक्ष लड़े करुछन आ भगवान तांकर पाखर अछन्ति कृष्ण धर्मर पक्ष नहीं कि पांडव मान अछन्ति आर मोर पुत्र माने अधर्मर पक्ष को नहीं कि अछन्ति जदि पांडव माने धर्म पक्ष अछन्ति एवं से माने वर्तमान धर्म क्षेत्र रे एकत्रित होती तेणु तांकर धर्मर शक्तिटा वर्धन हो बढ़ीज ये तांकर शक्ति धर्म तांकु शक्ति वर्धन कर शक्तिशाली करदेव हो पारे पांडव माने अनेक शक्तिशाली होजे एवं मो पुत्र माने पराजित हो जाए तेणु मु राज्य पाइबेनि निराश हो जाऊँगी किए ना धृतराष्ट्र निराश हो जाऊँगी एक चिंता कर पूर्ण चिंता करुची परवर्ती अवस्था रे धृतराष्ट्र ना ना मु पराजय हेबी नाही ता कारण मो पक्षर तो
बहुत शक्तिशाली बड़ बड़ योद्धा अछंती भीष्म अछंती भीष्म केबे हेले पांडव मानतंकु पराजित करि परिबे नै जहांकर इच्छा मृत्यु वरदान अछि जहांकर अस्त्रर सम्मुख पांडव अर्जुन आदि पांडव माने करि परिबे नै भीष्म पितामह अछंती द्रोणाचार्य गुरु अछंती गुरु द्रोणाचार्य एई भीष्म द्रोण आदि योद्धा मानक सम्मुखरे पांडव मानकर पक्ष कौन पांडव माने कौन तांकु जीति परिबे से पांडव मान पक्ष अर्जुन पक्ष भी सी अजेय तांकु जय करे ना से मने मने धृतराष्ट्र खुशी होसी ना ना से माने अजेय हाँ मोर आमर योद्धा मान आमर पक्ष निश्चित भाव विजय लाभ कर आमर विजय सुनिश्चित केवल युद्ध करवा ही दरकार यही धृतराष्ट्र निजर मनरे यही सब शंका को नहीं प्रश्न कले हे संजय यही धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एकत्रित तो मो पांडव मोर पुत्र माने आउ पांडव माने ये आउ गोटे प्रश्न आमका पांडवाश्चैव अर्थात मोर पुत्र गण और मोर भाई पांडुंकर पुत्र गण कहीं विभेद जदि से माने एक वंशर से माने समस्ते गोटे वंशर भाईर पुत्र हेले तो आमरी वंशर धृतराष्ट्र मनरे एइबरी भेदभाव रही सी तो धृतराष्ट्र निजर राज्य दरकार सबकि निजे दखल करिया को चाहूँगी द्रुतपूर्वक राष्ट्र दखल करें निजर भाई पुत्र को मध्य से पर कर देखुची ओ मामका पांडवाश्चैव से माने ले पर आउर एमाने ले मोर निजर हाँ कौरव माने मोर निजर दुर्योधन दुशासन आज मोर निजर आ पांडव माने मोर नुहंती से माने तो पांडव हाँ से माने ले अन्य माने एही भली भेदभाव एही भली विभिन्न प्रकार शंका आउ ये भाव शंका नहीं तार आंतरिक भाव धृतराष्ट्रंकर केही बुझी पारुनांदी भगवत इच्छा रे ए श्रीमद भगवत गीता जो कि श्री वैशंपायन ऋषि ने ऋषि जन्मय जो कहउचंती एही प्रश्न धृतराष्ट्रंकर से उल्लेख करिसंती सेटु हम जानी पारुचु जे वर्तमान धृतराष्ट्र काहे कि ए धर्म क्षेत्र को नहीं कि ही ए सब प्रश्न ताके मनरे आसी धर्म को नहीं कि प्रश्न आसु आम यही सब मंदिर विशेषकर बुझीपारे आगामी दिन में आम यही श्लोक पुणी अन्य दृष्टिकोण रु गुरुवर्ग विचार को नहीं आम पुणी श्रवण कर वक्तव्य को यही विराम दूँ जय ग्रंथरा श्रीमद भगवद गीता की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय समागत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।